लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनिया थे ना, अब वो उतने कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः अभी अचानक बिहार बड़ी चिंता में आ गया है सबके, मैं जानता हूँ वजह, तो बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुमराह कर रहे हैं कोई। अरे साहब, आपने तो राहें गुम कर दी, तो गुमराह कौन क्या करेगा। नंबर तीन, आज इससे पहले कि मैं बिल पे बोलूं, मैं तमाम दलों से अपील करता हूं, और ये हृदय विदारक अपील है कि दलों के दायरे से ऊपर बढ़िए, क्योंकि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा, ये आपको तय करना होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये निर्बलीकरण का जरिया है, निर्बलीकरण का। किसान की समझ आखिर क्या है? मुझे तो लगता है कई दफा, मैं माफी के साथ कहता हूं, हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या संकल्पना किसानों की हॉलीवुड की फिल्मों से लेके आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के किसान को समझते हैं आप? छोटे मझोले जोत के, मैं एक परिवार से आता हूं, कल्पना करिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा 1 बीघा जो कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहां, उसके उत्पाद के खरीद के लिए। मैं समझता हूं थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। मेजॉरिटी बहुत टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है, इस तरह के जो मैंने पहले भी कहा, लो हैंगिंग फ्रूट से बचना चाहिए। एपीएमसी में करप्शन के इश्यूज है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं ना कि आप यू थ्रो द बेबी विद द वॉट वाटर। शांता कुमार कमेटी ने आपसे पहले कहा था, उसके कुछ सुझाव थे। अब शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पार्टी के हैं, उनको सुन लेते। अच्छा, जमाखोरों बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके जो मैं बिल का अध्ययन करता हूं, तो आप रोहू कतला को हटा करके शार्क को ला रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, कमाल कर रहे हैं। हमारा अनुभव यह भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मूलतः कैश क्रॉप्स के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही फसलों का क्या होगा, खाद्य की फसलों का क्या होगा, उस पर आपका नजरिया, मैं समझता हूं, मैं जैसे बिहार को लेकर के कह सकता हूं, आपकी एमएसपी निर्धारित है मक्के के लिए कुछ, सर 700 रुपए नीचे में खरीद होती है, क्योंकि किसान की संकल्पना करनी होगी, 5 कट्ठा जमीन है मेरे पास, मैंने प्याज उपजाया है, प्याज को निपटा करके अगली फसल लगाऊंगा। सर कल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में उसकी संपूर्णता में सोचिए, वो किसान आपसे क्या चाह रहा है। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि आपके तमाम बिल्स और एक्ट्स मैं देख रहा हूं बीते दिनों में, आप सहकारी संघवाद कहते हो रेडियो टेलीविजन पर, और अहंकारी संघवाद के हिसाब से काम करते हो, राज्यों के दायरे में घुसते जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करूंगा, एक झटके में राज्यों को खत्म कर दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और आखिरी टिप्पणी करने से पहले माननीय, मैं आपके माध्यम से कहूं ये भी कहना चाहता हूं, आज भारत का किसान आपकी ओर देख रहा है, सदन की ओर देख रहा है। मैं बार बार दोहराऊंगा कि भारत का किसान आज ये अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप हालात हो जाएं। हम धीरे धीरे वैसे भी पूंजी की गिरफ्त में जा रहे हैं। मैं जानता हूं पूंजी कुछ लोगों को बहुत आराम देती है, लेकिन जिनको कुछ को तो आराम देती है सर, बाकी की जिंदगी में कोहराम मचा देती है। ये तय करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और आखिरी टिप्पणी करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, लास्ट मिनट प्रोफेसर जी, लास्ट मिनट। सर मैं जानता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि उस कुर्सी में ही कुछ है सर। एक चीज जो मैं आखिरी टिप्पणी से पहले करना चाहूंगा कि जब आप मझोले छोटी जोत के किसान को देखते हैं, तो आपको आप कह रहे हैं कि हम डबल करेंगे इनकम। सर कहां, कब्र में लिटा करके इनकम उसके ऊपर लगा दोगे? वो बचेगा ही नहीं, वो उसके खात्मे की इबारत आप लिख रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि सदन अगर ये बिल पास करता है, तो आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की, भारतीय किसानों की। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है सर,
ये कहानी हरियाणा पंजाब तक नहीं रहेगी, ये बिहार तक ये जाएगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता, मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र, वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं। और आखिरी सर, थैंक यू। बस सर, इकबाल कह गए थे जय हिंद बोलना दीजिए ना, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोसा गंदुम को जला दो। जय हिंद, जय किसान। थैंक यू।